के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर बोले सीएम योगी, पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट सबका साथ सबका विकास के साथ जीत लिया है सबका विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जुलाई को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे अपने गृह जनपद, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 8 जुलाई को प्रातः 10 बजे से अयोध्या के लिए करेंगे प्रस्थान। गगहा थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना को एसएसपी ने बताया गिनीराधार, कहा दोषियों पर मुकदमा दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। पत्नी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराने वाला पति ही निकला महिला का कातिल, जगह पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। एसएसपी ने कहा पत्नी की हत्या कर जला दिया था उसका शव, रात को नदी में फेंक कर पुलिस को कर रहा था गुमराह। सीएम योगी के प्रस्तावित गोरखपुर आगमन के मद्देनजर मंडलायुक्त ने किया मंडल समीक्षा बैठक, कहा सभी विभागों के अधिकारी तैयारी कर लें अपनी कार्य योजना, न होने पाए कोई लापरवाही। बेलघाट पुलिस ने 7 मवेशी के साथ 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, एसएसपी ने किया घटना का खुलासा। केंद्र सरकार ने पेश किया आम बजट, लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा, पेशेवरों ने दी सदी हुई प्रतिक्रिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा रेल बजट में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी है प्रस्ताव। 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने दिया धरना, भारतीय स्टेट बैंक की नीतियों के खिलाफ देश के 15 ग्रामीण बैंकों ने दिया धरना, किया विरोध प्रदर्शन। रेलवे सुरक्षा बल क्रीड़ा संघ व पूर्वोत्तर रेलवे के तत्वाधान में 28वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, बारिश के कारण नहीं हो सका उद्घाटन मैच, चीफ गेस्ट एजीएम ने कहा करें खेल भावना का प्रदर्शन, दिलाएं अपनी टीम को जीत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं को दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के द्वारा लिफलेट्स के जरिए दीनदयाल उपाध्याय के संक्षिप्त जीवन परिचय से कराया जा रहा है रूबरू। और इनर व्हील क्लब की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, शोभना अग्रवाल बनी अध्यक्ष, कहा समाज सेवा को प्राथमिकता में रखते हुए नई कार्यकारिणी करेगी काम।